देखिए, जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां हलचल इस वक्त बढ़ी हुई हैं और सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसी ही हलचल दिखाई दे रही है चुनावी राज्य पंजाब में भी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चुनावी राज्य पंजाब से, जहां पंजाब पुलिस ने ड्रग्स मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये केस मोहाली के स्टेट क्राइम सेल में केस दर्ज हुआ है। इसके तो इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजय मिश्रा टेनिस से जुड़ी हुई है, ये जो लगातार गायब चल रहे हैं, हालांकि आज कार्यवाही में कार्यसूची में उनका नाम है। और अब एक और बड़ी खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब पुलिस ने ड्रग्स मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये केस मोहाली के स्टेट क्राइम सेल में दर्ज हुआ है। इसके लिए मजीठिया के खिलाफ जांच के लिए नवजोत सिद्धू लगातार सीएम चन्नी पर दबाव बनाए हुए थे। पंजाब ड्रग्स मामले में एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं जगविंदर पटियाल, हमारे सहयोगी पंजाब से फोन लाइन पर। जगविंदर, सुपर सीएम नवजोत सिंह सिद्धू का दबाव सीएम चन्नी पर काम आया है कह सकते हैं? देखिए, कांग्रेस भारी दबाव में है और हर हाल में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए वो सब काम किए जा रहे हैं जिन भी कामों को लेकर लोगों में नाराजगी थी, या फिर 2017 में पंजाब में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने लोगों के सामने किए थे। और ये बार बार बात उठती थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तलवंडी साहबों में गुटखा साहिब हाथ में लेकर ये कसम खाई थी कि वो ड्रग्स को जो है वो पूरी तरह से खत्म करेंगे और बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये मुद्दा लगातार कांग्रेस के अंदर और बाहर छाया रहता था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार रैलियों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरह से हमला कर रहे थे, उसके बाद देर रात ही बड़ी कार्रवाई की गई है और उसमें मोहाली में एक केस दर्ज किया गया और हवाला दिया गया है कि एडवोकेट जनरल ने ये कहा था कि एसटीएफ की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि पिछले एक डेढ़ महीने से पुलिस अफसरों को इस जांच के लिए राजी करने की बात चल रही थी, लेकिन ज्यादातर अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए और अब जो केस दर्ज किया गया है उसके लिए एक एसआईटी बनाई गई है जो ये जांच करेगी कि बिक्रम सिंह मजीठिया के क्या जो पुराने 2014 के मामले हैं उनमें जो लोग वांटेड थे या जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे उनके साथ क्या लिंक है, लिंक थे या नहीं थे, इन तमाम चीजों की जांच एसआईटी करेगी। एक एआईजी के नेतृत्व में ये एसआईटी बनाई गई है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को, क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है, इसलिए अकाली दल ये कह रहा है कि ये सारी बदलेखोरी की नीयत से कार्रवाई की गई है और जो केस 7-8 साल पुराने हैं उनमें अब ऐसा क्या फ्रेश एविडेंस आ गया कि जिसको लेकर चेन्नई सरकार इतनी उतावली हो रही है। बिल्कुल जगविंदर, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा आपसे हम आगे देंगे। पंजाब ड्रग्स मामले में एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।